दोस्तों, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि PUBG मोबाइल को बिना VPN के कैसे आप प्ले कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको Google Play Store में जाना है और वहाँ से आपको कोई भी VPN डाउनलोड कर लेना है। तो उसको VPN को एक्टिवेट करने के बाद, जैसे ये देखिए, मैंने अभी 3x VPN डाउनलोड किया है और इसको एक्टिवेट भी कर लिया है। तो एक्टिवेट इसको करने के बाद आपको करना क्या है, अब अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो क्रोम ब्राउज़र को आपने ओपन करना है। तो याद रखना दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये आपको VPN ऑन रख के ही करनी है, VPN को बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च करना है PUBGmobile.com। PUBGmobile.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद ये कुछ इस तरीके की आपके सामने वैसी वेबसाइट खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कोई फेक वेबसाइट ना खुल जाए। ध्यान से देख लीजिए इस वेबसाइट को, और इसका अब जो अगला इंटरफेस आने वाला है उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इन दोनों में से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सबसे ऊपर वाली ही वेबसाइट फाइल को आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर आप कुछ फाइल्स जो अब होंगी कुछ 900 MB की, तो आप ये फाइल को डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद अब आपको करना क्या है, तो आखिरकार दोस्तों मेरी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को मैंने इंस्टॉल पहले से ही कर लिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद अब आगे की जो प्रोसेस है उसको प्लीज़ ध्यान से समझना, नहीं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे। तो दोस्तों, VPN आपको अब भी कनेक्ट रखना है और अपना यहाँ से आपको फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना है। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद हो सकता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप VPN से लॉगिन कर रहे हो, इसलिए मेरे साथ भी हुई थी। और अगर आपको लॉगिन करने में इस तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप VPN को डिसकनेक्ट करके आप यहां पे आके दोबारा लॉगिन कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तब आप VPN को कनेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पर आप प्रेस कर लेना, आपकी ID लॉगिन हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी ID लॉगिन हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको जो भी रिसोर्सेज पैक्स वगैरह जो होते हैं, TDMs वगैरह, चेयर पार्क जो आपको डाउनलोड करने हैं, वो आपको एक ही बार में कर लेने हैं, ठीक है। आपको अगर आप एक ही बार में नहीं करोगे, दूसरी बार जब आप इसको VPN को डिसकनेक्ट करोगे, तो हो सकता है आपके लिए वो रिसोर्स पैकेज जो होता है वो डाउनलोड ना हो सके। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी मज़ेदार इंटरफेस आप पीछे देख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे रिसोर्स पैकेज जो होते हैं वो डाउनलोड कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा, इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब करना क्या है, जैसे ही आप इन सारे के सारे रिसोर्सेज को डाउनलोड कर लोगे, तो डाउनलोड करने के बाद अब आपको करना क्या है, अपने गेम को कर देना है बंद और VPN को ऑफ कर देना है। फिर से आपको अपनी गेम को ओपन करना है, तो आप फिर अपनी गेम को बहुत ही आराम से प्ले कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो, तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी कोशिश करूँगा पूरी की पूरी हेल्प करने में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर PUBG के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ।